हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सही भी नहीं है तो आपको अगर उसका करेक्ट सोल्यूशन पता है आप पोस्ट करो, मैं अपने आंसर को ज़रूर चेक करूँगी। ये जो वीडियो है ये इकोनॉमिक्स की मुझे डाउट आई है। ये क्वेश्चन हमारा 11th और 12th में होता है। 12th CBSE में है और 11th पंजाब बोर्ड में आता है ये वाले क्वेश्चंस। इसमें उन्होंने कहा है क्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है और हमें दी हुई है सेल्स दी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, एक्साइज ड्यूटी दी है, चेंज इन स्टॉक दिया है, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है और डेप्रिसिएशन दिया है। ये वैल्यू एडेड मेथड है। इसके अकॉर्डिंगली जब हम आंसर निकालेंगे, सबसे पहले जब हम अपना सिंपल मेथड लगाते हैं, जैसे मैं करवाती हूँ, मैं आपको उस वे से बताती हूँ। तो जब हम इसका सिंपल मेथड निकालते हैं, हमारा GVAMP हमारे पास आता है विद वैल्यू एडेड मेथड। ये हमें पता है हमारे पास आता है। हम पहले वो ही निकालेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सॉरी इट्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या गिवन है हम वो करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी जो है उसमें हम सेल्स लेंगे, हमारा 400 सेल का गिवन है, प्लस लेंगे चेंज इन स्टॉक, पर चेंज इन स्टॉक हमारा नेगेटिव में गिवन है। बेसिकली होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये नेगेटिव में है, हमें नेगेटिव के साथ ही लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता तो डायरेक्ट 40 आता। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज़ अ परचेज ऑफ रॉ मटीरियल। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 250 को। इसको मैं करने लगी हूँ, 400 ब्रैकेट ओपन करी, माइनस 40 आया, माइनस 250 आया। ये आ जाएगा आपके पास 290, और 400 में से आप 290 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 110। दिस इज़ GVAMP, बट उसने हमें निकालने के लिए कहा है GVAFC। इसमें हमने क्या करना है, हमने MP को FC में कन्वर्ट करना है। जब हमने MP को FC में करना होता है उसके लिए बहुत सिंपल है, जो आपने जो पहले निकाला हुआ है वो लिख लीजिए, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस करते हैं हम सब्सिडीज को। बाय चांस हमारे क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं गिवन है, सब्सिडीज हम नहीं लेंगे, आप इसको चाहे मत भी लिखें। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया 110, उसमें माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो तरह के हैं, एक है एक्साइज ड्यूटी हमारे पास और दूसरा है सेल्स टैक्स। हम इन दोनों को ही लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं करूँगी माइनस 20 सेल्स टैक्स का और माइनस 30 एक्साइज ड्यूटी का। ये मेरे पास 50 आया। 110 में से 50 माइनस करूँगी 60 विल बी माई आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। GVAFC इज इक्वल टू 60। थैंक यू।